हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूं फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान विशेष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये रुद्र जटा का पौधा है। इसे सुंदर गुलाबी रंग के आकर्षक पुष्प लगते हैं। इस फूलों को देखने पर मुर्गे की कलगी के समान लगते हैं, इसलिए इसे कोई मुर्गा किस भी कहते हैं। इस पौधे को घर के बाहर आंगन में लगाने से घर की शोभा बढ़ती है। इसे बागों में, उद्यानों में और बालवाटिकाओं में तथा मंदिर परिसरों में लगाया जाता है। दोस्तों, ये रुद्रजटा का पौधा 1 से 4 फीट ऊंचा और सीधा बढ़ता है। इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं जो 1 से 4 इंच तक लंबे और बालाकार होते हैं। इस पौधे पर ऊपर और नए आने वाले पत्र हरे रंग के होते हैं, जबकि नीचे पुराने पत्ते लाल रंग के हो जाते हैं, कभी कभी हल्के नीलाभ रंग के भी होते हैं। इस पौधे को देश की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका संस्कृत नाम बहरचूड़ा, सीखा, सीखनी और रुद्रजटा है। हिंदी में कोकन, लाल मुर्गा, मुर्गा केस और जटादारी से पहचानते हैं। गुजराती में इसे मोरसिखा से पहचानते हैं, कोई इसे लांबड़ी भी कहते हैं। कन्नड़ में कुरुडू से पहचानते हैं, जबकि तमिल में पन्नाई कहा जाता है। इसे मराठी में मयूर सिखा, बंगाली में हल्दी मुर्गा और अरबी में बारा टंकी से पहचानते हैं। रुद्रजटा का अंग्रेजी नाम है क्वेल ग्रास और वैज्ञानिक नाम सिलोसिया अर्जेंटिया है। इसके फूल सुंदर और मखमल के समान मुलायम होने से इसे मखमली या वेलवेट भी कहते हैं। दोस्तों, इस पौधे पर अलग अलग आकार वाले मुर्गा केस के समान सुंदर पुष्प लगते हैं, जो लाल और गुलाबी रंग के होते हैं। दोस्तों, आप इस सुंदर पौधे को किस नाम से जानते हैं ये जरूर बताएं। इसकी कई और प्रजातियां भी पाई जाती है, जिस पर पीले और नारंगी रंग के पुष्प लगते हैं। दोस्तों, इस पर अंडाकार फल लगते हैं और इसमें से अनेक राय के समान छोटे छोटे काले रंग के बीज होते हैं। रुद्रजटा के गुणों की हम बात करें तो ये स्वाद में मधुर, कसीला, खट्टा, कड़वा और शीतल होता है। ये पचने में हल्का और कफपित्त शामक भी होता है। कमेंट्स में कई लोग हमें तंत्र में उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सुंदर फूल वाले पौधे रुद्रजटा का उपयोग तंत्र क्रिया में भी किया जाता है। चाहे ग्रह बाधा हो, भूत बाधा हो या वशीकरण हो, तंत्र प्रयोगों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और उत्तम है। दोस्तों, ये पौधा औषधीय गुणों का भंडार है। जिन लोगों को पेशाब संबंधी समस्या है, रुक रुक कर पेशाब आता हो, ऐसे लोगों को इसके छोटे छोटे जो राय के सदस्य बीज होते हैं इसको लेकर 10 से 15 मिली की मात्रा में उबाल कर पीना है। इसका काढ़ा बनाकर लगभग 2 से 3 दिनों तक पीने से पेशाब संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। अगर किसी भाइयों को पथरी की बीमारी है, पथरी हो गई हो, तो ऐसे में इसके मूल के चूर्ण को 500 मिलीग्राम की मात्रा में चावलों के धोन के साथ पीना है। दोस्तों, ये प्रयोग लगातार 8 से 10 दिनों तक करने से छोटे पथरी गलकर निकल जाएगी। दोस्तों, जब तक आप इसका सेवन करते हैं तब पथ्य में सिर्फ दूध का ही सेवन करें। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ ही लोगों की काम शक्ति धीरे धीरे घटने लगती है। अगर 30 से 50 की उम्र में ये समस्या होती है तो ये रुद्रजटा का पौधा आपके लिए बहुत काम का है। इसके लिए रुद्रजटा के पंचांग का 1 ग्राम चूर्ण और 5 ग्राम मिश्री दोनों को मिलाकर रोजाना दूध के साथ पिए। दोस्तों, कम से कम 10 से 12 दिनों तक ये प्रयोग करने से निश्चित ही काम शक्ति बढ़ जाती है। ये पौधा शरीर में ऊर्जा और जोश भर देता है। जिन महिलाओं को अधिक ब्लीडिंग की समस्या है तो इसके पत्तों का ताजा रस 2 से 3 मिली की मात्रा में निकाले और साथ में थोड़ी मिश्री के साथ मिलाकर पी जाए। कुछ दिनों तक ये प्रयोग करने से अधिक ब्लीडिंग की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये खांसी को भी दूर करता है। इसके 500 मिलीग्राम बीजों के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर खाने से खांसी मिट जाती है। जिन लोगों को दस्त की समस्या हो गई हो, ऐसे लोगों को इसके फूलों का क्वाथ 10 से 15 मिली की मात्रा में दिन में 3 बार पिलाने से दस्त मिट जाता है। तो दोस्तों, ये थी रुद्रजटा की छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं।